लौट आई भावों की संध्या बिंदनी। लौट आई रवि की बीवी देविका। संध्या अंगद के प्यार का कवच। रघुबीर बानी की अधूरी कहानी। डेली सोप क्वीन एकता कपूर लेकर आई हैं कलर्स पर दो नए सीरियल, कवच महाशिवरात्रि और बेपनाह प्यार, जिसका बीती रात हुआ प्रेस लॉन्च। I would with a story like this, I wanted a dancer और फिर दीपिका का उन्होंने मुझे टेप दिखाया मेरी टीम में और मुझे बहुत अमेजिंग लगी वो। She was of course brilliant in the और बाती और it was a pleasure and an honor to work with her. एक तरफ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं दीपिका सिंह, जो फिर से बनकर आ गई है संध्या, और इनकी जोड़ी जमी है नमिक पॉल के साथ। वैसे सीरियल की कहानी भूत प्रेत पर आधारित है और इन्हीं काली शक्तियों के बीच फंसेगी संध्या। अपनी दोस्त रंजना को ढूंढते हुए संध्या पहुंच जाती है उसी देवलाली गांव के रहस्यमय मंदिर में। कहानी की शुरुआत होगी संध्या के देवलाली जाने से, जहां उसकी जिंदगी ले लेगी एक नया मोड़। और वहां उसे दिखता है वो चेहरा जो कहते हैं शिवजी दिखाते हैं। वो चेहरा था कपिल का। पर कपिल से मिलने से पहले संध्या की जिंदगी में आ चुका है अंगद। मैं इस भयानक पहेली की वो कड़ी हूँ जो काल बन के खड़ी हूँ। काट दूंगी अतीत का हर वो राज, बदलने अपने रिश्तों का हार। अपनों की रक्षा के लिए मैं बनूंगी कवच। सच में मैं संध्या ही नाम रहेगा। आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी टेलीविजन पे ऐसा हुआ होगा कि किसी एक्टर को दूसरे शो में सेम नाम मिले। हर एक्टर सोचता है कि मतलब यू नो कुछ नया होगा, बट बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे बहुत नया काम करने का मौका मिल रहा है। और लास्ट जो मैंने शो किया था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है ये शो। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। बहुत लविंग हस्बैंड मुझे मिले हैं रोहित के रूप में, कि उन्होंने भी 2-3 महीने का ब्रेक लिया है। दो वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, नो टेंशन अबाउट सो। मैं फ्रेंड हूँ अंगद का, माई कैरेक्टर इज कपिल, और बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं शो में जो आपको स्लोली धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, प्लीज़ आई होप आप आएंगे हमारा शो देखेंगे सैटरडे संडे को 8 बजे कलर्स पे। 25th से ऑन एयर हो रहा है और आई होप कि हम आपको एंटरटेन कर पाएँ और आपको एक्साइट कर पाएँ। तो वहीं दूसरी तरफ नागिन 3 के फिनाले की तुरंत बाद वापसी कर रहे हैं नागिन के माहिर यानी पर्लपुरी, और इनकी जोड़ी जमी है अपर्णा दीक्षित के साथ। ये कहानी है रघुबीर और बानी के बेपनाह प्यार की, जो रह जाएगा अधूरा। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं बेइंतहा प्यार किया था बानी, वो मैं आज भी करता हूँ। तुम्हारी यादों को और तुमसे जुड़ी किसी भी चीज को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। और फिर रघुबीर की जिंदगी में होगी दो हसीनाओं प्रगति और सुकन्या की एंट्री। लंदन की सर्द रातों में और तुम्हारी हर बात में मैं थी तुम्हारे साथ। सच क्या है ये तो मैं नहीं जानती। सवाल ये है कि क्या रघुबीर सर दोबारा प्यार कर पाएंगे? द स्टोरी ऑफ रघुबीर की कैसे वो चीज़ों से डील करता है। क्या आपको कभी भी आप मेमोरी लॉस नहीं हो सकता? जो चीज़ें आपके दिल के करीब हैं वो हमेशा रहेंगी, लेकिन आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ ही डील्स विद ऑल ऑफ इट, क्या वो मूव ऑन कर पाता है नहीं कर पाता, यू हैव टू वॉच आवर शो, प्लीज वॉच दैट। बट मुझे नहीं लगता कि रघुबीर कभी अपने प्यार से निकल पाएगा। मुझे लगता है कि रघुबीर ने जिसे भी प्यार किया है वो बेइंतहा प्यार किया है और वो उस बेइंतहा प्यार को कभी भूल नहीं पाएगा। उनका जो कैरेक्टर है मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है। जो जितने वो है मैं उतनी ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट हूँ, बिकॉज़ मेरा कैरेक्टर प्रगति है, शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी इज फुल एनर्जेटिक। सीरियल नए हैं और कहानियाँ भी नई हैं। अब देखना होगा कि ये नए सीरियल्स दर्शकों के दिल को कितना लुभाएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।